नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव अर्गव और आप देख रहे हैं जीके विथ मानव चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम देखेंगे जहां ट्रांसफर और सरप्लस टीचर हैं उसमें वरीयता का क्रम क्या रहेगा, यानी जो सरप्लस टीचर हैं नवीन स्कूलों को लेंगे तो उसमें वरीयता का क्रम क्या रहेगा और साथ में ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों का वरीयता का क्रम क्या रहेगा। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि ये शिक्षकों को यदि वरीयता का क्रम मिलेगा तो अन्य शिक्षक अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते तो क्या उन्हें ट्रांसफर नहीं मिलेगा। चलिए पहले इसे देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षक संवर्ग महिला पुरुष में जो वरीयता का क्रम रहेगा, स्थानांतरण में वरीयता का क्रम रहेगा इस प्रकार से। पहली फर्स्ट जो प्रायोरिटी मिलेगी वो है महिला पुरुष में स्थानांतरण। सत्र के पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा दसवीं परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों में पदस्थ प्राचार्य एवं समस्त शैक्षणिक सत्र कक्षा दसवीं के न्यूनतम 40 छात्रों का सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो ट्रांसफर में ऐसे टीचर्स के लिए और ऐसे प्राचार्य के लिए वरीयता मिल सकती है जिनके रिजल्ट विषय का रिजल्ट 70% रहा हो, लेकिन उस सत्र में कम से कम 40 जो छात्र हैं वो सम्मिलित हुए हों। साथियों, अब देखते हैं महिलाओं में किसके लिए वरीयता है। जैसे कि महिलाओं के लिए मोस्टली स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में भी उन्हें वरीयता मिलेगी। तो परिवार का कोई सदस्य यदि गंभीर बीमारी से है या फिर जो स्वयं शिक्षक हैं उनकी महिला शिक्षक उनके लिए तो वहाँ पर वरीयता उन्हें ट्रांसफर में मिल जाएगी। साथ में पुरुष वर्ग की बात करें तो स्वयं अथवा परिवार के सदस्य तो फर्स्ट महिला को वरीयता मिलेगी, सेकंड नंबर पर पुरुष के लिए भी सेम कंडीशन यही रहेगी। महिला पुरुष दोनों के लिए विवाह के कारण पति पत्नी के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानांतरण, यानी जो पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं तो उनके लिए एक ही जगह पर पहुँचने के लिए भी वरीयता मिलेगी। चौथे नंबर पर यह वरीयता दी जा रही है। वहीं अगला देखते हैं महिलाओं के लिए निःशक्त श्रेणी की यदि कोई महिला है तो उनके लिए भी वरीयता मिलेगी। फिर उसके बाद पुरुष जो वर्ग है उसके लिए ये वरीयता मिलेगी। महिला पुरुष के लिए दोनों के लिए जो विधवा अथवा परित्याग या विधुर हैं इस कंडीशन में भी उन्हें वरीयता मिल जाएगी। साथ में देखते हैं महिलाओं के लिए 19 जनित जटिल स्थिति के कारण स्थापना स्थल से अन्य स्थल पर चिकित्सीय आवश्यकता हेतु, तो कोविड-19 जो भी आप बहुत लंबा समय हो गया तो हालांकि इसे छोड़िए ऐसी कंडीशन अभी नहीं है। अब देखते हैं पुरुष के लिए भी यही कंडीशन है। महिलाओं में अगला देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार महिला के लिए पहले, फिर उसके बाद पुरुष के लिए भी है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से या राज्य स्तरीय पुरस्कार से सब सम्मानित है, ऐसे शिक्षकों के लिए भी वरीयता मिलेगी। अगला देखते हैं 14वें नंबर पर है, एक से अधिक आवेदन होने पर अति शेष शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इतने शिक्षकों के बाद अब अति शेष शिक्षकों को वरीयता मिलेगी, यानी 14वें नंबर पर वरीयता मिलेगी, यानी वो अपने विद्यालय में सरप्लस में हैं तो अन्य स्कूल में जा रहे हैं, एक सामान्य शिक्षक उस स्कूल में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले किसे मिलेगी वरीयता, तो सरप्लस टीचर हैं उनके लिए। वही आगे देखते हैं एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक संपूर्ण सेवा काल अवधि में, यानी जो महिलाएं हैं दो महिलाओं ने या कई महिलाओं ने एक साथ एक ही स्कूल में किया तो जो नॉर्मल कोई विशेष कंडीशन वाले नहीं हैं तो उनमें जो संपूर्ण सेवा काल यानी उनकी नियुक्ति दिनांक से कोई सहायक शिक्षा का मान लीजिए उनका नियुक्ति दिनांक 1986 है और कोई अध्यापक संवर्ग का 98 का शिक्षक है तो जो उनके 86 वाले हैं उनके लिए सबसे पहले संपूर्ण सेवाकाल के लिए उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ में यही कंडीशन पुरुष के लिए, तो ये इतनी वरीयताएं मिलेंगी, यानी जो किसी उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है प्रायोरिटी के अंतर्गत तो ऐसे शिक्षकों में उनके सेवाकाल से दी जाएगी, ना कि उस पद पर आने के काल पर दी जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से यह वरीयता का वो है। आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हमने यह वीडियो क्रिएट किया था। अब रही तो साथियों, यहाँ पर 13 प्रकार के जो शिक्षक हैं उन्हें वरीयता मिलने के बाद कोई सामान्य शिक्षक है तब जाकर के उसे प्रायोरिटी मिलेगी ट्रांसफ़र में, और ट्रांसफ़र 15% होना है, इससे अधिक नहीं होना है कुल आवेदन जो होंगे उसके। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।